Good evening, everyone. Am I audible and visible to all of you? अरे साउंड वगैरह सब आ रही होगी, एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है, सब प्रॉपर है। एक बार सभी के सभी कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो ठीक है। और कैसे आप लोग सभी के सभी? क्लियर क्लियर, चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या होगा, डेटा स्ट्रीम नहीं होगा। ऑल गुड ना। तो एज यू ऑल नो, आपके साथ डेली रात में 10 बजे SBI क्लर्क 2021 की पेपर को डिस्कस करते हैं। तो जितने भी न्यू लर्नर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि क्लास की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। गुड इवनिंग अमन, प्रीति वेलकम, रंजन, संदीप वेलकम है, निशा वेलकम, सोनी वेलकम है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो SBI क्लर्क मॉक टेस्ट नंबर बेसिकली 77 होना था, ये एक एरर हो चुका है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। ये 77 होना चाहिए था। तो होप सो सभी के सभी लर्नर्स ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया हो और बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ शेयर भी करना। एक तो सबसे पहले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मैथ्स मैजिक। और कल से विश्वनाथ वेलकम, कल से आपकी एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है सुबह के 11 बजे। बेसिकली वो स्टार्ट आज से ही हो रहा था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो आज स्टार्ट नहीं हो पाया, तो कल से वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू होंगी और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपन। एक जैसे कि एक बिगिनर से लेके हाई लेवल तक की क्वेश्चंस को वहाँ पे आप कवर करोगे। आप देखे होगे कि वहाँ पे हर क्लास, जितने भी क्लासेस आपकी होंगी ना, वो सारे टॉपिक के पाँच पाँच सेशन है। तो प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट भी सीखना है, प्रैक्टिस भी करना है इन द सेम टाइम। और आपको PDF तो हर सेशन के बाद या हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद 50-100 क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप सबने वो टाइम टेबल वाली शेड्यूल तो सबने चेक करी ली होगी ना, जो टाइम टेबल वाले मैंने वीडियो बना के दिया था आप लोगों को। एक टाइम टेबल का वीडियो बना के मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आई होप सो सबने देख लिया होगा। तो कल से सभी को 11 बजे सुबह 11 बजे अर्थमेटिक के बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स को सीखना अगर है, तो मीट मी एट 11 AM डेली। कल पहला टॉपिक होगा परसेंटेज, को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल सेशन को स्टार्ट करें, एक बार जल्दी से सभी के सभी लर्नर्स पी लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, देन विल स्टार्ट द सेशन आल्सो। एक बार जितने भी लर्नर्स हैं कमेंट सेक्शन में पी लिख दीजिए, देन विल स्टार्ट द सेशन। मेरे लैपटॉप में हो रहा है सब। चलो बहुत ही बढ़िया, कुमुद वेलकम है आपका भी, और कौन नए जुड़े हैं, पवन जुड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। 30 सेकंड का टाइमर है, देखो 30 सेकंड के टाइमर में बीट आपको करना है टाइमर को, ये ना कि टाइमर आपको बीट कर दे।
चले टाइम आउट, स्टक हो रहा है वीडियो, सभी का स्टक हो रहा है क्या? देखो एक चीज है ना सर, आप आईपीएल नहीं देखते अभी, आपको भी सब आईपीएल देखने से घर में तो ऑब्वियसली मनाए करते होंगे, अगर आप घर पे हो, अगर फैमिली के साथ हो तो डेफिनेटली दे विल से मतलब बोलेंगे कि मत देखो अभी आईपीएल। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपके पर्सनल रूम में एक बड़ा सा टीवी लगा रहेगा और आप देख रहे होगे टीवी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इट्स द मैटर ऑफ द टाइम, सिलेक्शन ले लो, पर जो करना है कर सकते हैं अपन, है ना? देखो इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा सर, ये वैल्यू 19 देके जाएगा, सॉरी 6 वन जा 6, 24 देके जाएगा। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 192, अब 192 और मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं 200 ऐड करूंगा, 256 प्लस का 200, 456, 8 माइनस कर लो 4, सॉरी 656, 48, 648। ई वाले क्या बता रहे हो, ई वाले किस तरीके से आंसर बता रहे भैया? क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, टाइम अप। देखो 48 है, एक काम करो सर, 40 पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले डिवाइड वाला केस कंप्लीट करेंगे अपन। मुझे पता है कि ये वैल्यू 8 से कट ही जाना है, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64, सर 6 से इसको भी उड़ा दो, 12 13 टाइम्स ये बनेगा 131, 131 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे 13 8 जा 104, 1040 प्लस का 8 ऐड करना है 1048। कैलकुलेशन के लिए ना मैं देखो आपको बार बार एक चीज बताते रहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको करनी होगी, आपको टेबल एटलीस्ट 20 तक का आना चाहिए, स्क्वायर क्यूब मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ, और कल से बिल्कुल फाउंडेशन से अर्थमेटिक की क्लासेस स्टार्ट हो रही है सुबह के 11 बजे। अर्थमेटिक की फाउंडेशन बैच कल से 11 बजे आपकी शुरुआत हो रही है, और पहली क्लास परसेंटेज की है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन। बताइए आंसर, कोई ये रुक क्यों गया? कोई नहीं, बताओ आंसर, बताओ सभी के सभी। फाइव फोर्टी फोर आ रहा है प्रणव का, ई 544 देख लेते सर, 17 4 जा 68 है, 36 4 136 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 520 प्लस का 24, 544 जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछूंगा, सभी के सभी ऑनेस्टली आंसर बताएंगे, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन यूज किया है, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन का यूज किया है? अगर किया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए, इवन इस क्वेश्चन के लिए भी पेन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर टिक करना है अपने को, इवन इस क्वेश्चन में भी सिर्फ आंसर टिक करने के लिए वैल्यू चाहिए होगी। हाँ जी सोनी, थोड़ा सा ना देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी हमें, जिन्होंने किया है वो एक बार थोड़ा सा काम करिए अपना कैलकुलेशन वाले पार्ट को, थोड़ा सा टाइम दो ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में ये इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 3 मिनट का क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का। अब एक बात बताओ, 136 को 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या सर? 1360 हो गई होगा, प्लस का 680 करना है, 1380
1360 में अगर आप 80 ऐड कर दोगे तो 1440 प्लस का 600, तो 2040 यहाँ से आने की वैल्यू। 85 का 12 गुना करोगे तो 960 प्लस का 60 1020 है। सर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1020 जा रहा है। देखो अब हम ऐसे करके मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 12 12 5 जा 60, 0 12 8 जा 96, ये टाइम बनेगा फिर आपका। बेहतर क्या है कि 136 को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 1360 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है उसका ठीक आधा। सर कर लेते हैं, 2040 इधर से 1020 आ रहा था। आ रहा है। अरे सर ये तो बिल्कुल, ये क्या क्वेश्चन डाल दिया आपने, आपके मन में भी आ रहा होगा सर ये क्या ही क्वेश्चन डाल दिया। ये 65 प्लस का 18 होगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये तो मैं नींद में भी पूछेगा तो बता देंगे, पर अगर कोई नींद में भी रात में जगाएगा आंसर बताओ आराम से बता दोगे सर। बहुत ही बढ़िया, गिनी वेलकम है। जो भी नए जुड़ते हैं ना, कि इस बीच में बता दिया करो कि हम सब जुड़ चुके हैं, नहीं तो पता चलेगा वो वाला सीन नहीं आता कि ये ज्वाइंट तो वेलकम कर दो सर एक बार। यहाँ पे आपके कमेंट से ही पता चलेंगे कि आप क्लास में आओ। देखो सर इधर 88 और इधर 40, मतलब 102 बनना है। 102 में से अगर आप 52 माइनस करी दोगे तो 50 बचेगा 0.5, ठीक है 0.5 सर, मतलब ये ऑप्शन नहीं बन सकता, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। 741 इधर है, और एक काम करो 800 में से 700 माइनस करो 128 है, 69 में से 41 माइनस करो 28 है, तो 328 और 128 कितना वैल्यू देके जाएगा, 456। ऑप्शन नंबर बी, जितना पेन कम चलेगा उतना टाइम कम लगेगा, जितना पेन ज़्यादा चलेगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, है ना। बनाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कल कौन सा क्वेश्चन था यूट्यूब पर? अच्छा वो एम्प्लॉइज वाला धवल। फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज थे मेल और फीमेल थे, उनकी सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था ना। इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि कल से सुबह 11 बजे आपकी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल स्क्रैच से अर्थमेटिक पे, है ना। देखो सर यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये वैल्यू कितना बनेगा, 2208। अब यूनिट प्लेस पे 8 है और यहाँ पे 6 है, इतनी बात तो पक्की, ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज है, तो चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 23 आ जाएगा, आ सकता है बट वी हैव टू चेक इट। 96 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, 1920, और 1920 का फिर 96 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 12, बिल्कुल सर 23 सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, इसको छोड़ो यार ये क्वेश्चन गलती टाइप हो जाता है बार बार। डीआई की बैच कब होगी? क्वेश्चन नंबर 9 बने, जिस दिन आप लोग ना, जिस दिन किसी भी क्लास में, मैं बोल रहा हूँ जिस दिन किसी भी क्लास में आप लोग 50 लर्नर्स लेके आ गए, उसके अगले दिन से डीआई मेंस की बैच स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये आ रहा है आंसर, इसको बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए,
हाँ जी मेंस की डीआई की बात कर रहा हूँ, ये तो सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है ना, ये ऐड ऑन क्या करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, देखो इतनी मेहनत करके इतनी सारे कंटेंट लेके आ रहे हैं तो कुछ तो सपोर्ट चाहिए होगा आप लोगों से। मतलब धवल उसका आंसर शायद किसी ने बताया भी तो था, रेशियो प्रोपोर्शन का बताया था किसी ने, सही था वो। एक बार आप लास्ट में ना मेरे को क्वेश्चन बता देना कि क्या क्या वैल्यूज थी, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। सर 16% चाहिए, सारे के सारे मल्टीप्लाई में 100 लगा ही दो, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। 5 उड़ा दो 20 लगा दो, 0 निकाल दो 8 हटा दो, 38 का 8 गुना कितना होगा 240 प्लस का 24, सॉरी 64, 304। क्वाड्रेटिक नींद में भी जगाएगा ना तो भी सही करोगे। बी आ रहा है प्रणव का, एक काम किया करो आप लोग ना बी सी मत, अच्छा इसमें तो बी ही सी बताना है, कोई दिक्कत नहीं। डी भी आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके 4 है और ऐड करके 5 है, तो 4 एंड 1 है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 है और ऐड करके माइनस का 7 है, तो -8 + 1, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। सर ये 2 1 2 2 2 4, 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपन, ये प्लस का सॉरी ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 0.5 है। -4 दोनों वैल्यू से छोटी है, -1 सर दोनों से छोटे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी वाले 2 सही हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया, टाइम ले लो सर। और अरे दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, सोचना क्या है फिर। अभी गाना भी आया, सोचना क्या फिर, ऐसे करके गाने मत लगना बस, कैमरा बने ये क्वेश्चन नंबर 13। और लाइक तो करना ही नहीं आप लोग, है ना, जितने लोग अभी भी लाइक है ना उससे कम लाइक है, मतलब इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। अभी भी जितने लोग लाइक है ना उतने लाइक भी नहीं है। मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 चाहिए और ऐड करके माइनस का नहीं, तो -8 और -1 दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 चाहिए और ऐड करके प्लस का 5 चाहिए, तो +6 -1, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। सर इधर 2 से डिवाइड कर लो और इधर 3 से डिवाइड कर लो, ये प्लस का 4 है, ये 0.5 देके जाएगा,
ये माइनस का 2 है और ये 0.33 देके जाएगा। सर दोनों ही केसेस में एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन नजर आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। क्या आंसर आ रहा है? सी प्रणव का। ठीक सी। चलो देखो मल्टीप्लाई करके 24 और ऐड करके माइनस का 10 है तो माइनस 6 और माइनस 4 होगा सर। दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई करके 48 चाहिए और ऐड करके प्लस का 8 चाहिए तो प्लस का 12 माइनस का 4 है। जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव। डिवाइड करने की तो कहीं से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। 6 दोनों से बड़ा, 4 इससे बड़ा है और इसके बराबर है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15। देख लेते सर क्या ही क्वेश्चन बोल रहा है। मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 13 और ऐड करके चाहिए माइनस का 13 तो फैक्टर क्या क्या बन रहा है? माइनस का 15 प्लस का 2। जो नेगेटिव वो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव जाएगा। मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए और ऐड करके 8 चाहिए तो 6 एंड 2 है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। सर इधर 5 से डिवाइड करना है अपने को और इधर 3 से डिवाइड करना है तो ये वैल्यू बन जाएगा प्लस का 3, ये बनेगा 0.4। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 0.66 है। कर लो कंपेयर। सर 3 दोनों से बड़ी वैल्यू है, माइनस का 0.4 इससे तो बेशक भरा है और इससे भी भरा है। सी वाले चेक करिए, ए इज द राइट आंसर, एक्स ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट चीज होगा सर, पैसों का नोटिफिकेशन आ गया, क्या कब आएगा नहीं पता। देखो सर यहाँ पे कोई बताएगा क्या आइटम लग रहा है? अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देख रहा हूँ तो 16 का डिफरेंस है, ये 64 का डिफरेंस दे रहे हैं। सर यहाँ पे 16 और 40 256 का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। ये वैल्यू 1024 का दे रहे हैं तो हर एक टर्म चार चार से मल्टीपल हो रहा है क्या? 16 का 4 गुना 64, 64 का 4 टाइम्स 256, 250 का 256 का 4 टाइम्स, तो यहाँ पे सर 4096 आना चाहिए। सर अगर मैं 4000 ऐड करूँगा तो ये वाली 5364 बनेगी, 100 और ऐड कर दूंगा तो 5464 बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऐड करने से वैल्यू कितनी बन रही है? 68 जाएगी क्या आपके? सॉरी बी 5460 राइट। ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपको जरूरत है जाके नंबर सीरीज वाली क्लासेस देखने का।
तो सिंपल सा बच्चों सा वाला प्यारा सा छोटा सा सवाल है। अगर यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, फिर छोटा वाला नंबर आता है, फिर एक बड़ा नंबर आता है, फिर एक छोटा नंबर आता है, फिर इससे बड़ा, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं मुझे ड्यूअल सीरीज दिख रही है, या फिर ऑल्टरनेट वाला जो सीन आता है। देखो 17 माइनस का 2 15 है, 15 माइनस का 2 13 है, 14 माइनस का 2 12 है, तो नेक्स्ट विल बी 12 माइनस का 2 10। सर ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसी का आंसर आया कि नहीं कभी। अरे पहले बात समझो, देखो पैटर्न को पकड़ना कहाँ से आना चाहिए। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये चीज किया होगा कि 23 देखा, फिर 29 देखा, 46 देखा और 156 देखा, तो कुछ लोगों के मन में बेशक आया होगा कि सर डिफरेंस पे बनेगा। चलो अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का, यहाँ पे 17 का,